गुड मॉर्निंग क्लास, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कि 1 जुलाई से हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे और इसका पीडीएफ मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है। तो आज 1 जुलाई है और आज से हम लोग रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर का MCQ क्वेश्चंस कराएंगे। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि डेली का डेली वीडियो देखिए, जिससे आप लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जो हमने पीडीएफ आपको सेंड किया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 121 से हमारा रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर का भाग शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 121 से, तो हम 121 क्वेश्चन नंबर से कराएंगे। इसका आंसर आप लोगों को दिया जा चुका है, इसका आंसर सबसे लास्ट में है। तो हम आपको समझाते रहेंगे कुछ वीडियो और कराते रहेंगे कि कैसे ये आंसर हो रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है बच्चों, अ रेफ्रिजरेटर सिस्टम। इसमें ये पूछ रहा है बेटा कि रेफ्रिजरेटर सिस्टम क्या होता है, तो हमने आप लोगों को बताया था कि रेफ्रिजरेटर सिस्टम जो होता है वो हीट को रिमूव करता है लो टेम्परेचर बॉडी से हायर, और डिलीवर किधर करता है, हायर टेम्परेचर बॉडी की तरफ। हम एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। तो देखिए, हम लोगों ने आपको पहले ही बताया है कि सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, सबसे पहले मेरे पास एक सोर्स होता है। देखिए, हम फिगर एक बना रहे हैं, ये सोर्स है, हमारे पास एक सोर्स होता है, ये हमारा एक सोर्स है। यहाँ पर एक बीच में रेफ्रिजरेटर लगा रहता है जिसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे हमारा एक सिंक रहता है जहाँ पर लो टेम्परेचर रहता है, अब क्या होता है, ये T2 टेम्परेचर पे है, ये T2 पे है और ये T1 टेम्परेचर पे है। अब क्या होता है कि T2 टेम्परेचर से हीट निकल रही है और हाई टेम्परेचर की तरफ जा रही है, लेकिन इस रेफ्रिजरेटर को क्या करना पड़ता है, कुछ वर्क देना पड़ता है। क्या करता है, कुछ वर्क देना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर एक में यहाँ पर लिखा हुआ है, रिमूव हीट फ्रॉम ए लो टेम्परेचर बॉडी एंड डिलीवर इनटू हाई टेम्परेचर बॉडी, मतलब लो टेम्परेचर बॉडी से रिमूव होगा हीट और किधर जाएगा, हाई टेम्परेचर बॉडी T1 की तरफ। समझ गया सब लोग कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है। रेफ्रिजरेटर का मेन काम है कि लो बॉडी से, लो टेम्परेचर से रिमूव होगा हीट और किधर जाएगा, डिलीवर करेगा हायर टेम्परेचर बॉडी की तरफ, जैसा कि इस फिगर के माध्यम से बताया गया है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, वो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। समझ में आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। 122वें नंबर पर क्वेश्चन, 122वें पे चलते हैं। कह रहा है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर मीन्स दैट द हीट रिमूव कैपेसिटी इज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ये क्वेश्चन कि 1 टन रेफ्रिजरेटर, 1 टन रेफ्रिजरेटर कितनी हीट को रिमूव करेगा, 1 टन रेफ्रिजरेटर। तो मैं बात करता हूँ कितनी हीट को रिमूव करेगा। तो देखिए, आपको इसका आंसर मैं बताने चल रहा हूँ, इसका आंसर 3-4 तरीके से आ सकता है। तो देखिए, 1 टन रेफ्रिजरेटर, पहली बात तो हीट को रिमूव करता है कितना, 210 किलो जूल पर मिनट। एक ऑप्शन ये आपको मिल सकता है कि 1 टन रेफ्रिजरेटर 210 किलो जूल पर मिनट हीट को रिमूव कर सकता है। इसके अलावा ऑप्शन में हो सकता है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, कितना 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, या तो 210 किलो जूल पर मिनट में आएगा, या कितना आएगा, 3.5 किलो जूल पर सेकेंड में आएगा, या 3.5 किलो वाट,
या 50 किलो कैलोरी पर मिनट। तो ये कोई भी ऑप्शन आ जाए कि एक टन रेफ्रिजरेटर कितनी हीट को रिमूव करेगा, तो ये कोई भी आंसर आ जाए, 210 आ जाए, 50 किलो कैलोरी पर मिनट आ जाए, 3.5 किलो जूल पर सेकंड आ जाए या 3.5 किलो वाट आ जाए, सभी आंसर सही माने जाएंगे। ठीक है, ये सभी आंसर, जितने आंसर हैं सभी आंसर सही माने जाएंगे। तो एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इन द रेफ्रिजरेटर टू द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर इज कॉल्ड। देखिए इसमें कह रहा है कि किसी भी रेफ्रिजरेटर का जो अनुपात होता है, किसका, हीट एक्सट्रैक्टेड का और वर्क डन का, इनका अनुपात क्या कहलाता है, इनका अनुपात रिलेटिव कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, रिलेटिव कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हीट एक्सटर्टेड, कितनी हीट मतलब खींच रहा है, और वर्क डन, कितना हीट खींच रहा है, हीट कितना खींच रहा है और वर्क डन, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, रिलेटिव कोफिशेंट ऑफ क्या होता है, परफॉर्मेंस होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम आगे आ जाते हैं बात, द कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस COP इज रिसिप्रोकल ऑफ इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। बिल्कुल सही है। देखिए हमने आपको एक फार्मूला बताया है, इसका आंसर 124 का ए होगा। जो COP होता है, COP इक्वल टू होता है 1/efficiency, COP = 1/efficiency, या हम इस तरह कह सकते हैं efficiency = 1/COP, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये इसमें कह रहा है द कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस COP जो है वो रेसिप्रोकल होता है एफिशिएंसी का, तो बिल्कुल होता है, क्योंकि ये फार्मूला हमने COP = 1/efficiency, efficiency = 1/COP, ये होता है, हमने बता दिया आपको। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 125 में कह रहा है द रिलेटिव कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू, रिलेटिव कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस किसके बराबर होता है। तो देखिए जब भी हमारा रिलेटिव कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला पूछा जाएगा, तो रिलेटिव कोफिशियंट ऑफ में एक्चुअल COP जो होगी हमारी जो एक्चुअल COP होगी, एक्चुअल COP और थियोरेटिकल COP जो होगा, थियोरेटिकल, इन दोनों का अनुपात जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा रिलेटिव कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाएगा। एक्चुअल का मतलब वास्तविक निष्पादन गुणांक और थियोरेटिकल का मतलब सैद्धांतिक निष्पादन गुणांक। समझ गए आप लोग बच्चे, वास्तविक निष्पादन गुणांक और सैद्धांतिक निष्पादन गुणांक का जो अनुपात होता है वो रिलेटिव कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस के बराबर होता है। तो चलिए फिर हम आगे बात करते हैं, और यहां से आंसर कौन सा, एक्चुअल अपॉन थियोरेटिकल, बी वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है द कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज, जो निष्पादन गुणांक होता है मेरा वो ऑलवेज क्या होता है, वो ऑलवेज जो होता है वो ग्रेटर देन वन होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है। मतलब COP जो होता है मेरा, जो COP होता है, COP कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन वन होता है। लेकिन जो एफिशिएंसी होती है मेरी, एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन वन होती है। किसी भी मशीन की 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने आपको बताया था। लेकिन जो COP होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है। क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन वन, 126 का सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो 127 नंबर क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर क्वेश्चन है, 127 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में 127 नंबर वाले क्वेश्चन पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कह रहा है वन टन रेफ्रिजरेटर मीन्स क्या होता है, ये बता रहा है। तो देखिए एक टन रेफ्रिजरेटर क्या होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वन टन ऑफ आइस व्हेन मेल्ट फ्रॉम
एंड 0 सेंटीग्रेड इन 24 घंटे में द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्विवेलेंट टू 210 किलो जूल पर मिनट। इसमें यह कह रहा है कि अगर एक टन रेफ्रिजरेटर, एक टन हमारी बर्फ जो है 24 घंटे में 0 सेंटीग्रेड पर क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, ठीक है, तो उसका जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा वो 210 किलो जूल पर मिनट के बराबर होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 127 का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये 127 नंबर क्वेश्चंस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 128 नंबर की, और इसमें ये कह रहा है कि द सीओपी ऑफ कर्नाट रेफ्रिजरेटर इन विंटर विल बी। देखिए जो सीओपी होती है कर्नाट रेफ्रिजरेटर की, वो विंटर में हायर हो जाती है समर की तुलना में। क्या होती है? विंटर में हायर हो जाती है किसकी तुलना में? समर की तुलना में, समर की तुलना में हायर हो जाती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं हम 129 नंबर क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बिल्कुल आ सकता है बेटा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 129 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 129 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है द पावर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेटर ये बराबर किसके होता है? 3.5 अपॉन सीओपी के, 3.5 अपॉन सीओपी के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पावर पर टन कितना होता है, 3.5 अपॉन सीओपी। तो 129 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, जो घरेलू रेफ्रिजरेटर है, एज कंपेयर टू डोमेस्टिक एयर कंडीशनर। तो देखिए क्या कह रहा है, रेफ्रिजरेटर का जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है एयर कंडीशनर की तुलना में क्या होता है, लेस होता है कि बराबर होता है कि कम होता है? तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वो क्या होगा, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का डोमेस्टिक एयर की तुलना में क्या होता है, कम होता है। क्या होता है? कम होता है। तो 130 का बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 131 नंबर पे। क्वेश्चन पे कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज द रेंज ऑफ, कितना रेंज होता है? तो रेंज कितना होता है, 0.1 to 0.3 TR होता है, ये होता है आंसर। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 132 का। 132 पे कह रहा है अ कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेटर सिस्टम रिजेक्ट हीट एट द रेट ऑफ 120 किलोवाट वाइल इट्स कंप्रेस कंज्यूम पावर 30 किलोवाट, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो क्या होगा, 120 में हम क्या करेंगे, 30 किलोवाट का डिवाइड कर देंगे तो सीओपी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 × 120, 4 आंसर आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसका डी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर? डी आंसर हो जाएगा इसका। अब चलिए देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ हीट पंप। बिल्कुल हीट पंप उसी तरह काम करता है जैसे रेफ्रिजरेटर काम करता है। तो कौन सा हो जाएगा, सिंक है, सोर्स है, तो यहाँ से बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिगर देख के आप समझा सकते हैं। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 134 नंबर पे जो क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 134 नंबर पे कह रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी ऑफ ए रेफ्रिजरेटर वर्किंग एज हीट पंप। तो हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था, सीओपी हीट पंप जो होता है ये इक्वल टू होता है 1 + COP of refrigerator। क्या होता है, 1 + COP of refrigerator। तो आंसर ढूंढ लीजिए, 1 + COP of refrigerator, बी। 134 का बी आंसर आ रहा है, 134 का बी आंसर आ रहा है, 134 का बी आ जाएगा, 134 का बी आ जाएगा, 134 का बी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, सीओपी हीट पंप माइनस सीओपी रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 1 होता है। ये भी कभी आ सकता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप का माइनस होगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का, बराबर किसके होगा, 1 के होगा। ये भी इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 135, 136, 137 की बात करते हैं।
तो इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। क्या हमने क्या बोला, ये 135 नंबर क्वेश्चन आप क्रॉस कर दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन न्यूमेरिकल में नहीं आएगा। 136 नंबर की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो आप इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है और ऑब्जेक्टिव कम टाइम है। तो 135, 36, 37 आप काट दीजिए, आ जाइए आप डायरेक्ट 138 नंबर क्वेश्चन पर। 138 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए डायरेक्ट। क्या कह रहा, अ रिवर्सिबल इंजन हैज आइडियल थर्मल एफिशिएंसी 30% व्हेन इट इज यूज्ड ए रेफ्रिजरेटर मशीन विथ ऑल अदर कंडीशन अनचेंज्ड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विल बी। तो इस तरह का क्वेश्चन बेटा आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा 2.33। कितना हो जाएगा, 2.33 आंसर हो जाएगा। इसको बिल्कुल आप याद कर डालिए, इसको बिल्कुल याद कर डालिए। इसी तरह 139 नंबर पे जो क्वेश्चन है, इसको कट कर दीजिए, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, इस तरह नहीं आएगा क्वेश्चन। आ जाइए 140 नंबर पे क्वेश्चन। कह रहा है, व्हेन द लोअर टेम्परेचर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर मशीन इज फिक्स्ड देन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। क्या कह रहा है, when the lower temperature of refrigerator machine is fixed then the coefficient of performance can be improved। COP को कैसे बढ़ा सकते हैं, जब हम lower temperature को क्या करेंगे, fixed कर देंगे। तो देखिए, हम एक चीज़ बताएं आपको, हमने आपको coefficient of performance का एक फार्मूला बताया refrigerator के, COP is equal to होता है T lower upon T higher minus T lower। ये फार्मूला हमने बताया है आपको, बताया, कह रहा कि अगर हम लोअर टेम्परेचर को फिक्स्ड कर दे रहे हैं, लोअर टेम्परेचर को फिक्स्ड कर रहे हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ फिक्स्ड है, ये चीज़ फिक्स्ड है। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर लोअरिंग द टेम्परेचर को और लो कर देंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर डी, आंसर कौन सा आ जाएगा, डी नंबर आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, 141 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कह रहा है 141 नंबर जो क्वेश्चन है, बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। कह रहा है, एयर रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन रिवर्स कर्नाट साइकिल पे काम करता है या बिल कॉलमन साइकिल पे काम करता है, तो या बोथ ए एंड बी पे काम करता है। तो देखिए सब लोग, हम आपको बता रहे हैं कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है, एयर रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम होता है, वो काम करता है बेल कॉलमन साइकिल पे भी और रिवर्स कर्नाट साइकिल पे भी। क्या कह रहा है, रिवर्स कर्नाट साइकिल पे भी काम करता है और किस पे काम करता है, बेल कॉलमन साइकिल पे भी काम करता है। तो इस तरह ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, कहाँ है ये, बोथ ए एंड बी वाला आंसर हो जाएगा 141 का। 142 की बात करते हैं, कह रहे बिल कॉलमन साइकिल इज रिवर्स कर्नाट साइकिल, रिवर्स ऑटो साइकिल, रिवर्स जूल साइकिल, रिवर्स रैंकाइन साइकिल। तो बिल कॉलमन साइकिल को रिवर्स जूल साइकिल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रिवर्स जूल साइकिल भी कहते हैं। तो इस तरह भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि हमारा बिल कॉलमन जो साइकिल होता है उसको क्या कहते हैं, रिवर्स जूल साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रिवर्स जूल साइकिल भी कहते हैं। तो इसको एकदम बिल्कुल याद कर डालिएगा ये फार्मूला कि बिल कॉलमन साइकिल रिवर्स जूल साइकिल है। फिर कह रहा है 143 नंबर पे, रेयर रेफ्रिजरेटर साइकिल इज यूज्ड इन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज्ड इन कॉमर्शियल घरेलू में, डोमेस्टिक नहीं में, एयर कंडीशनिंग में नहीं में, गैस लिक्विफिकेशन में यूज होता है। कहाँ पे, गैस लिक्विफिकेशन में। तो ये आंसर आ सकता है, गैस लिक्विफिकेशन इसका आंसर हो जाएगा 143 का डी। और लास्ट क्वेश्चन आज आपको बताने चल रहे हैं, 145 तक बताएंगे, द कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन ए रिवर्स कर्नाट साइकिल, और इसका फार्मूला पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला होता है T1/T2-T1। हमेशा याद रखिएगा T1/T2-T1, या इस तरह आप भी याद कर सकते हैं T lower/T higher-T lower, ये भी पूछा जा सकता है। तो T1/T2-T1 ये भी आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो कह रहा है,
इन रेफ्रिजरेटर मशीन हीट रिजेक्टेड इज ग्रेटर देन हीट एब्जॉर्ब्ड, ग्रेटर देन, रेफ्रिजरेटर में कह रहा है हीट जो रिजेक्ट हो रही है वो ज़्यादा होती है किससे, जितना हीट एब्जॉर्ब करता है। तो 145 का सी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेटा देखिए, आज हमने 121 से 145 क्वेश्चन कराया है, 145 से में से 121 घटाएंगे तो आ जाएगा 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया 2। 24-25 क्वेश्चन हमने आज आपको कराया है। इस 24-25 क्वेश्चन में से आपको बिल्कुल याद करना है, बिल्कुल याद करके आपको ये जाना है, चाहे जैसे याद करिए लेकिन आप याद करके जाएंगे अगर आपको पास होना है। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप इसको एक बार पढ़िए और तैयार करिए। चलिए, थैंक यू क्लास।